अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल किंग्स पिजन में। और बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो गई है, 1,13,756 अभी तक व्यूवर्स हो चुके हैं टोटल। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, बहुत बहुत दुआ है मेरे दिल से भाई, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि 2000 सब्सक्राइबर हो गए मात्र 60 दिनों में। दो महीने में किंग्स पिजन को इतना अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश करने में जितना मेरा हाथ नहीं है, मेरा तो बहुत कम उसमें हिस्सा है, लेकिन आप सब माए बाप, आप सब व्यूवर्स, उन सभी का हाथ है। और YouTube के माध्यम से बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं और बहुत सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। और YouTube के माध्यम से मुझे मिले हैं आज प्रदीप लाल बीघे साहब, जो कि रहते हैं बारामती में। प्रदीप लाल बीघे साहब के पास बहुत अच्छी मलवाई और देसी कबूतरों की नस्लें। तो इससे पहले कि जितने भी वीडियोस को आपने लाइक किया, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलने वाली है साहिबान, जिससे कभी भी आपका कोई भी बंदा आपको कुछ ऐसी तरह की चीज नहीं दे जिससे आपको फंसने, मतलब जिससे आप फंस सके। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी ऐसा करते हैं कि कबूतरों की दुकानें वगैरह चालू करते हैं, जो दुकानें डालते हैं वहां पे आपको सिर्फ बोल चाल से ऐसे कबूतर दिए जाते हैं जिनमें क्वालिटी नहीं होती है। लेकिन क्वालिटी को पहचानना कैसे है वो आज हम जानेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम प्रदीप भाई से हम लोग बात करेंगे। आणि महाराष्ट्र मधील जितके पण माझे मराठी प्रेक्षक आहे सगळ्यांना राम राम, नमस्कार। आणि तुम्ही एवढं प्रेम करताय त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद तुमचं। आणि असंच माझ्यासोबत राहा आणि असंच तुमचं प्रेम नेहमी मला द्या, तर त्यांनी मी अजून पण चांगलं पुढे करण्याचा प्रयत्न नेहमी करत राहील। तर जास्त वेळ नाही घेणार आणि प्रदीप भाऊंना आता तुमच्यापर्यंत मी घेऊन, म्हणजे मी प्रदीप भाऊंकडे आलेलो आहे आणि प्रदीप भाऊंकडून आता जाऊन जाणून घेऊ आपण त्यांचे कबूतर ते कुठून स्टार्ट केलं त्यांनी। तो प्रदीप भाई, सबसे पहले तो देखिए बात कैसा है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं सब लोग, और हिंदुस्तान में हमारी मातृभाषा हिंदी है। मुझे पता है कि बारामती में हम लोग हैं, बारामती में सब महाराष्ट्रीय, मतलब मराठी बात ज्यादा होती है, लेकिन प्रेक्षकों को जो बात समझ में नहीं आई उसका हमको कोई मीनिंग नहीं आएगा, तो आप हिंदी में बात करेंगे। तो प्रदीप भाई, कितने साल से आप शौक कर रहे हैं कबूतरों का? जी, सबसे पहले तो जितने भी ये वीडियो देखने वाले मेरे बड़े भाई है, छोटे भाई है, सभी को मेरा नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, वनक्कम और केम छो। जीत भाई, वैसे कबूतर तो मैं बचपन से पाल रहा हूँ। जी जी, बचपन से मुझे शौक है। किस एज से आपने स्टार्ट किया था कबूतर पालना? मतलब आपका जो ये खानदानी, आप जो हमारी जो बात हुई थी इससे पहले कि आपने बोला था कि मेरे दादाजी से स्टार्ट किया था आपने, तो वो मैं सुनना चाहूंगा एक्चुअली। जी, मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। पहले मेरे दादाजी के पास कबूतर हुआ करते थे, फिर मेरे दादाजी के बाद में मेरे पिताजी के कबूतर थे, फिर पिताजी के बाद ये शौक मुझे लगा और अब मैं कबूतर का शौक कर रहा हूँ। अभी मेरा बेटा भी है, अभी 11 साल का है, वो भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। प्रदीप भाई, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो कबूतर के जो शौकीन होते हैं ये शौक थोड़ा बैकवर्ड टाइप का है, मतलब अच्छे लोग कबूतर नहीं पालते, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, ये जो कबूतर का शौक है ये तो राजा महाराजों का शौक है, नवाबों का शौक है। जी जी, अपने हिंदुस्तान में काफी सालों से कबूतर का शौक हो रहा है। मैं जितने भी जो अभी नए कबूतर पाल रहे जो बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कबूतर पालना बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। ये कबूतर के शौक से आज के जमाने में जो यंग जनरेशन जो बुरे नशे के बाजू में जा रहे हैं, बुरे कामों में, जो बुरे कामों में जा रहे हैं, वो कबूतर पालने वाला वो रास्ते कभी नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और कबूतर की वजह से घर पे कहाँ भी जाए तो शाम को दोपहर को घर पे इंसान आता है, कबूतर भी देखता है और उसी से घर पे फैमिली पे भी उसका ध्यान होता है। तो मैं तो नहीं कह सकता कि कबूतर पालना बुरी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और कबूतरबाजी में आपको कौन सी ऐसी बात है जो पसंद नहीं आती कबूतरबाजी में? मतलब आप कई बार ऐसा होता है कि आपके सराउंडिंग में आपको कुछ ऐसे तरह के लोग मिल जाते हैं जो ना चाहते हुए भी आपको उनके साथ रखना पड़ता है या रहना पड़ता है। तो कबूतरबाजी का, जैसे हर चीज में अगर 10 अच्छाई हो तो एक बुराई जरूर होती है, तो कबूतरबाजी की एक बुराई जो लोगों को नहीं करना चाहिए आप मुझे बताइए कि ऐसी वो कौन सी चीज है जो कबूतरबाजी में नहीं करो आप तो आप सक्सेस हो सकते हैं। जी, इस सवाल का तो जवाब मैं एक ही दूंगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ कबूतरबाजी। तो ये कबूतरबाजी में जितना हो सके आप ईमानदारी से खेल खेलिए। और
कबूतरबाजी तभी सक्सेस होगी जब आप कभी कंपटीशन में उड़ाएंगे कबूतर। जी अगर आपको टूर्नामेंट खेलना है, बाजियां खेलनी है, तो आपको वो हिसाब से आपको कबूतर का शो कर सकते हो आप। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी है कि उनके वक्त नहीं रहने की वजह से वो कबूतर उड़ा नहीं सकते, पर एक शौक बोल के कबूतर घर पे पाल रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जरूरी नहीं है कि कंपटीशन में ही कबूतर उड़ना चाहिए। आपके कबूतर आपकी आंखों के सामने 8 घंटे उड़ गए, आपने उनको घर पे बैठ गए, इज्जत के साथ उड़े, इज्जत के साथ बैठ गए, आपके नजरों में आपके कबूतर क्या है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरों की नजरों में आपके कबूतर कैसे रहे वो तो आसमान पे पता ही चल जाता है, लेकिन आपकी नजरों में आपके कबूतर किस तरह से उड़े और किस तरह से बैठे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बातें बहुत सारी होगी, और अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, तो सबसे पहले कबूतरों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना मैं स्टार्ट करता हूँ। और प्रदीप भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि ये कबूतरबाजी में आपके कोई उस्ताद है? जी जी बिल्कुल, हम आपके उस्ताद जी के बारे में भी जानना चाहेंगे। जिनका मैं शागिर्द हूँ वो मेरे उस्ताद है, वर्ल्ड चैंपियन सरदार सरवन सिंह जी खिलेर साहब, वो जालंधर में रहते हैं पंजाब में, उनका मैं शागिर्द हूँ। 13 जून 2013 को मैंने उनसे शागिर्द लिए, और सही में कबूतरबाजी में उसी वक्त से मेरी कबूतरबाजी पूरी चेंज हुई है। क्या बात है। तो बोलते हैं कि गुरु के बिना, देखिए हर वीडियो में यही बोलता हूँ मैं कि जब तक आपके पास गुरु नहीं है तब तक आपकी कबूतरबाजी अधूरी, क्या कुछ है ही नहीं। अधूरी शब्द भी उसके लिए बहुत छोटा है, एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं है आपका। जैसे कि प्रदीप भाई बोल रहे हैं कि बहुत सालों से कबूतर पाले, लेकिन 2013 से उन्हें एक्चुअल में समझ में आया कि कबूतरबाजी होती क्या है और कबूतरबाजी में क्या करना चाहिए। हाँ प्रदीप भाई, कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। तो आपने उनकी 2013 में आपने शागिर्दी में आए उनकी, और आपने क्या क्या सीखा, और आपको शागिर्दी लेने के पहले आपका एक्सपीरियंस क्या था और बाद का एक्सपीरियंस क्या हुआ, ये बताइए। जी वैसे तो काफी हिंदुस्तान से भी और हिंदुस्तान के बाहर से भी कबूतर खिलाड़ी मेरे उस्ताद को फोन करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, हर कोई भी बात हो तो मेरे उस्ताद जी से पूछते हैं, वो भी सभी को हेल्प करते हैं, सभी को मदद करते हैं, कोई कबूतर कैसे नस्ल का हो क्या हो। देखिए अभी मैं खुद बचपन से कबूतर पाल रहा हूँ, पर मुझे 2-3 ही नस्ल के कबूतर के बारे में मुझे पता था, पर जैसा मैं शागिर्द लिया हूँ उस्ताद जी के पास से, उन्होंने मुझे पहले तो ये सिखाया कि कबूतर की नस्ल कितनी होती है, अच्छे कबूतर की पहचान क्या है, और कबूतर किस तरह से जोड़ी लगाए, नर कैसा होना चाहिए, मादा कैसा होना चाहिए, फिर उनका बच्चा हम कैसा तैयार कर सकते हैं। भाइयों, ये सारी वीडियोस आपने अभी तक जितनी भी मेरी वीडियोस देखी उसमें ये वीडियो थोड़ी हटके होगी, सभी वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो बोलते हैं ना बंद पिटारा होता है, वो बंद पिटारा आज हम खोलने वाले हैं, और वो बंद पिटारा हम जो खोलने वाले हैं वो आप सभी के लिए खोलने वाले हैं। नए व्यूवर्स जितने भी मेरे भाई, ये देखे पैसा कमाता है हर इंसान, और उस मेहनत के पैसे से जाके कबूतर खरीदता है, जब वो कबूतर उड़े नहीं है तो बिल्कुल पता नहीं चल, मतलब दिल में एक बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुंचती है। तो भाई आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें खोलने वाले हैं जिससे आपकी कबूतर लेने की जो नज़र है वो 100 times बेटर हो जाएगी। तो अभी हमने जो भी आपसे बात की उसमें आपको कैसी लगी वो बात आप जरूर बताइएगा। और उस्ताद सरवन सिंह जी जो हमारे पंजाब के हैं उनको सत श्री अकाल, नमस्कार मेरा। और आपने प्रदीप भाई को आपके शागिर्दी मिली है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और ऐसे ही अगर आपको कोई उस्ताद मिले तो भाई सब अपने उस्ताद बनाइए सबसे पहले, उस्ताद के बिना आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कबूतर के इन्फॉर्मेशन के बारे में। प्रदीप भाई, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल शायद ध्यान में नहीं रहा मेरे, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है मेरा कि आपने आपके पास की जितने भी ग्रेड्स हैं कहाँ से लाई हुई? जी मेरे पास की जितने भी ग्रेड्स हैं वो मेरे उस्ताद सरवन सिंह साहब ने मुझे गिफ्ट में दिए। गिफ्ट में दी हुई? गिफ्ट में दी हुई। क्या बात है, देखिए ये होते हैं गुरु। जी सर। और वहाँ से आपने जो ब्रीड्स लाए वो कौन सी ब्रीड्स लाए, और आपके पास कौन सी ब्रीड्स के कबूतर अभी है फिलहाल? अभी मेरे उस्ताद जी ने जो मेरे पास मुझे ब्रीड दिए वो कल्सरे है, जालदर है, और मलवई भी है। मलवई भी है, और देसी कबूतर भी है आपके पास? और देसी मेरी महाराष्ट्र की पुरानी नस्ल है देसी, वो भी मेरे पास है। और आपने कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है?
हाँ हाँ ओके वो एक अलग वीडियो हम लोग शूट करेंगे, उसमें आपको मैं कंपटीशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रदीप भाई, मैं आपके हाथ में आज कबूतर दे रहा हूँ, आज आप हमारे होस्ट हैं, और आप आज बताइए लोगों को, मतलब जितने भी मेरे भाई व्यूवर्स देख रहे हैं, कि कबूतर में स्टार्ट टू एंड हमें क्या देखना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए। अगर आप एक नया कबूतर लेने जा रहे हैं, आपने कबूतर अगर जाल में से निकाला, तो स्टार्ट कहाँ से करें, क्या देखना चाहिए, सबसे पहले क्या देखते हैं आप कबूतर? पहले तो देखिए वो कबूतर किस नस्ल से बना हुआ है। जी बिल्कुल, वो कैसे समझ में आएगा कि वो कैसे किस नस्ल से बना है, थोड़ा आगे। जैसे मान लो पंजाबी का बॉडी टेक्सचर अलग है, पंजाबी कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, मद्रासी कबूतर का बॉडी टेक्सचर अलग होता है, देसी कबूतर का भी बॉडी टेक्सचर अलग होता है। अभी ये जो कबूतर है, तो मैं नए जो कबूतर पालना शुरू कर रहे हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि भाइयों, कि कबूतर लेते वक्त आप चाहे आपको कोई आपका फ्रेंड गिफ्ट दे रहा हो, या आप बाजार से दिक्कत ला रहे हो खरीद रहे हो, तो कबूतर पॉइंटों में देखा जाता है। कुछ बड़े बड़े उत्पादों में पॉइंट बना हुआ है, बहुत सारे हिस्सों में एक्चुअली कबूतरों को देखा जाता है कि इसमें ये पॉइंट पे ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो पहली बात कि कबूतर की जो चोच है वो अगर काली है तो उसके नाखून भी काली ही होना चाहिए। ओके, ये काले नाखून और काले पंजे ये जरूरी क्यों होता है, इससे क्या साबित होता है? ये नस्ली कबूतर की पहचान है। अच्छा, अगर ये कबूतर की चोच काली है तो उसके नाखून भी काले ही होना चाहिए। ये ब्लड जो हम लोग बोलते हैं, नस्ल जो बोलते हैं, वो प्योरिटी में से निकला हुआ, ये समझ में आता है। जी, ओके, ये एक पॉइंट हो गया, ये चेक हो गया, चोक और पंजे एक जैसे होना चाहिए। ओके, उसके बाद में इसकी जो नाक है, नाक बहुत सारे वीडियोस में अभी तक नाक के बारे में हमने कभी बात नहीं की, लेकिन ये भी एक पॉइंट होता है। देखिए, ये हमें सीखने को मिल रहा है, और प्रदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप बता रहे हैं, ये कभी भी आपको किसी भी वीडियो में कोई ने बताया नहीं होगा, आप जरूर ये बात लिखिए, जितने भी बात ये पॉइंट्स नोट किए जा रहे हैं आप लिख लीजिए, ताकि आपको दिमाग में रहे। जी भाई जी, ये जो नाक है इसकी, जी नाक, इसके जो नाक का जो खड्डा है, छेद, जो नाक के सिरे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नासे, ये जो नासे हो ये बंद नासे हो, ज्यादा खुली ना हो। ओके, बंद नासों वाला कबूतर ही ज्यादा उड़ान करता है, उसे ज्यादा सांस लेने में दिक्कत नहीं आती आसमान में। क्या बात है, तो आपके कबूतर की जो नाक होती है, जैसे दो छेद हमारे हैं, वैसे कबूतर की चोच के ऊपर जो उसकी नाक है, वहां पे आपको दो छेद मिलेंगे, वो बंद होना चाहिए। बंद होने का रीजन ये है कि जब वो आकाश में, जब हवा में उड़ता है, तो जो हवा उसकी नाकों में जाती है, अगर आप तेजी से, अगर आपके ऊपर किसी ने प्रेशर से हवा डाली, तो आपको भी बैक आना पड़ता है। तो वैसे अगर बंद उसके पोछे होते हैं, तो हवा ऊपर की तरफ निकल जाती है, और जितना उसे ऑक्सीजन चाहिए, जितनी उसे हवा चाहिए, उतनी उसकी नाक में जाने के कारण कबूतर ज्यादा देर तक आकाश में रहता है। तो बंद पोषों का, बंद नाक का कबूतर ज्यादा उड़ता है, ये भी एक दूसरा पॉइंट हमने बताया। जी भाई जी, उसके बाद में हम आएंगे आंखों पे। बिल्कुल, आंख में तो बहुत से कलर है, आंख सफेद में भी है, काली भी है, हरी भी है, पीली भी है, बादामी भी आंख आती है, हर किस्म में आंखें, आंख चाहे कौन से ही कलर में हो, पर कबूतर की जो आंख है उसके हेड में पूरी फिट होना चाहिए, पूरी फिट। अच्छा। यानी कि समझ लो आपने दीवार पे बल्ब लगाया हो, वैसा वो कबूतर की आंख उसके दिमाग से बाहर आई हुई दिखना चाहिए। मतलब आंख का जो आंख अगर आपने कबूतर को ऐसे देखिए, कबूतर को इस तरह से पकड़िए, मैं आपको बताता हूँ, कबूतर को इस तरह से पकड़िए, यहाँ आपने अगर कबूतर को पकड़ लिया इस तरह से, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों तरफ से आंखें जो उसकी बाहर की तरफ निकली हुई होना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए इसके सिर में से आंखें बाहर आ गई है, वो बात कर रहे हैं प्रदीप भाई जी। उसका फायदा ये है कि जब ये कबूतर आसमान में उड़ता है, तो उसके जो दुश्मन है, बाज, बहरी, लगर, वो उन्हें आसानी से देख लेता है, और खुद की जान का बचाव कर खुद का बचाव कर ये बात तो हमने कभी सोची नहीं, और कभी बाने कभी सुनी भी नहीं है एक्चुअली, ये बात की आंखें बाहर होना क्यों चाहिए एक्चुअली। और आंखों में हमेशा पानी भरा हो, चमकदार आंख है, ऐसा अपन हम देखें तो ऐसा लगे कि आंखों में पानी का ड्रॉप है और अभी गिर जाएगा नीचे। क्या बात है, आंख पानी से पूरी भरी हो, आंखों की जो काली पुतली है वो बारीक हो, और कबूतर वो आंख खुद ही जूम कर लेता है। ओके ओके, मतलब वाइब्रेट करता है, पुतली छोटी बड़ी छोटी छोटी बड़ी होती है, वो एक अच्छे कबूतर की पहचान है भाइयों। ओके, और उसके बाद कबूतर की जो पलक है, पलक वो पलक भी
पतली होना चाहिए, ज्यादा बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं होना चाहिए। मद्रासी कबूतरों में पलके बहुत बड़ी आती है एक्चुअली, लेकिन देसी कबूतर में अगर आप देखें तो पतले देखिए, जैसे कि ये कबूतर की आपको पलक आप देखेंगे तो देखिए कितनी पतली पलक है, बाजू की जो पलक है बहुत पतली है। ऐसी पतली पलकों का कबूतर आप लीजिए, ये हो गया। अब आगे की बात, और इसकी जो जमीन पे खुद की जो खड़ाने जो वो पोज में रुकता है एकदम ऐसा बिल्डर जैसा छाती तान के खड़ा हुआ होता है, मतलब अच्छे कबूतर की जो पहचान वो ये है कि कबूतर की पूंछ जमीन पे, सीना तना हुआ बिल्कुल। और जैसा कि आपने कल मुझे बताया था, ये भी प्रदीप भाई की बात है, जब कबूतर खड़ा हो तो उसकी यहाँ पे गैप दिखना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ प्रदीप भाई, कुंदे ऊपर उठे हो, कुंदे ऊपर उठे और गैप कितना होना चाहिए, एक एक इंच का गैप होना चाहिए, एक एक इंच का गैप होना चाहिए जब कबूतर खड़ा रहे तो। यहाँ पे उसकी जो बगल होती है, बगलों में एक एक इंच का गैप होना चाहिए, आधा इंच का भी गैप हो सकता है, आधा इंच का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप टेप लेके नहीं तो चले जाएंगे, एक इंच का ही होना चाहिए। ये सिर्फ एक बात है कि आप दूर से कबूतर को देख रहे हैं तो गैपिंग दिखना बहुत जरूरी है। जी भाई प्रदीप भाई, और उसके बाद, और उसके अभी आते हैं हम पैरों पे, पैर उसके हमेशा खुश्क होना चाहिए, ज्यादा ग्लीजिंग नहीं होना चाहिए, ग्लीजिंग मतलब ज्यादा चमकदार नहीं होना चाहिए पैर, उसके पंजे है वो खुश्क होना चाहिए बिल्कुल। और जब वो जमीन पे कबूतर चलता है तो तीन उंगली पे ही कबूतर चले, क्या बात है, तीन उंगली पे, हाँ तीन उंगली पे ही कबूतर चले, हर एक कबूतर तो नहीं चलता, पर एक उसकी एक अलग से उसकी मिजाज होती है, ओके, वो खुद 50 कबूतर में से वो कबूतर जो अच्छा है वो खुद आपको बताएगा कि मैं कैसा हूँ। तो भाइयों, कबूतर हाथ में लेने के बाद तो पहचान होती है कबूतर की, लेकिन जमीन पे छोड़ने के बाद कबूतर की 60% चेक होता है कबूतर। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बैंड्रा फेस्टिवल की शूट की थी उसमें असलम भाई ने भी यही बात बोली थी, कबूतर को जमीन पे छोड़ो और उसको आधे घंटे तक देखो तो वो खुद बता देता है उसकी जात नस्ल असल क्या है। ठीक बोल रहा हूँ प्रदीप भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। पंजे आपने बता दिए, और उसके बाद फिर नाखूनों पे आई है हम लोग, नाखून भी जो कलर की चोच है वही कलर की नाखून भी होना चाहिए, ऐसे नुकीले होना चाहिए जी। वो तो कबूतर आप रेगुलर बाहर छोड़ रहे हैं तो वो नुकीले हो जाता है, आप कभी जाल में रख देते हो तो उसके नाखून की साइज बढ़ जाती है, ओके ओके, तो वो भी टाइम टू टाइम कट करना चाहिए, ओके, सही तरीके से कट करना चाहिए, ओके। उसके बाद में आते हैं हम कोरों के ऊपर, बिल्कुल जी, कबूतर के पर हमेशा नरम मुलायम और चौड़े हो, और कबूतर की जो तिलिया है वो पतली हो। तिलियों से मेरा मतलब भाई ये है, ये जो बीच में आपको ये जो लकीर दिख रही है, ये जो कबूतर के पंखों को सपोर्ट करती है ये होती है तीली, ये भी पतली होना चाहिए प्रदीप जी, बिल्कुल। और कबूतर के जो बगल के पर है, बगल के पर कौन से होते हैं सबसे पहले ये बता दीजिए आप, ये देखो ये है बगल के पर, जी 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 बिल्कुल, ये होते हैं ये है बगल के पर, बगल के पर भी बहुत मायने रखती है, ये कबूतर की वापसी पे बहुत कबूतर को सपोर्ट मिलता है, ओके। तो बगल के पर भी जितना हो सके उतने लंबे चौड़े और बदन के पास झुके हुए हो चाहिए, झुके हुए बदन की तरफ मुड़े हुए होना मुड़े हुए चाहिए। और कबूतर के जो 1 से 10 पर है, 1 से लेकर 10वां पर का, हाँ, तो कबूतर के पर तलवार शेप के चाहिए, ओके, तलवार की तरह, जैसे कि ये कबूतर के अगर आप पंख देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये तलवार है, ये देखिए धार दिख रही है आपको, ये बिल्कुल तलवार के शेप के पंख दिख रहे हैं, बिल्कुल ये पंख होना चाहिए कबूतरों के जी। अभी इसमें जो आपको 8वां पर दिख रहा है, 9वां पर दिख रहा है, उनकी भी मिजाज वही है, देखिए 8वां और 9वां पर, ये जो देखिए ये भी बिल्कुल बिल्कुल धारदार पर है बिल्कुल, और अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। इससे फायदा ये है कि कबूतर को आसमान में उड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, और कबूतर उसके खुद के मूड पे कबूतर उड़ान करता है। क्या बात है, मतलब अगर कबूतर को किसी तरह की दिक्कत ही ना हो तो कबूतर आराम से आसमान में परवाज करता रहेगा, लेकिन अगर कबूतर कहीं से परेशान है, क्या है कबूतर मुंह से तो बोलेगा नहीं कि मेरा पेट दुख रहा है, आज मेरा पैर दुख रहा है, वो सब आपको समझना है, आपको उसको इसके मिजाज चेक करना है। जब आप कल प्रदीप भाई ने मुझे ये बात बताई कि पिंजरे में छोड़ोगे जब आप कबूतर उड़ाने से पहले, तो आधा घंटा उसको देख के पता करो कि कबूतर खड़ा कैसा है, आंख कैसी बंद कर रहा है, पंख नीचे तो नहीं झुका है, बिल्कुल सही बोल रहा प्रदीप भाई, उन सब चीजों से इन्फॉर्मेशन आप हासिल कीजिए, उन सब चीजों से पता चलेगा कि कबूतर का आज उड़ने का मूड है या नहीं। जी प्रदीप भाई, और इसकी दुम आवाते हैं हम दुम पे, एक पत्ती दुम हो, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल बंद दुम है, बिल्कुल खुल नहीं रही है दुम, क्या बात है जी प्रदीप भाई, ये दुम का क्या महत्व है प्रदीप भाई, एक पत्ती दुम का इम्पोर्टेंस क्या है,
ये जब आसमान में ये जो उड़ता है ना, तो कुछ कुछ कबूतर पूरी दुम खोल के उड़ते हैं। एक्चुअली कबूतर ने जब लैंडिंग करते हैं तब वो दुम और ये जो लंगोट है, दुम के नीचे के जो पर है उसे हम लंगोट कहते हैं हमारे महाराष्ट्रीयन भाषा में, मराठी भाषा में। ये लंगोट और दुम जब उन्हें लैंडिंग करते तब बहुत उन्हें सपोर्ट करती है। ओके। उसकी वजह से कबूतर अपने जगह ही अपने जाल पे अपने खुद्दे पे ही उतरता है, दूसरी जगह मार नहीं खाता। क्या बात है। कबूतर का सबसे इम्पोर्टेंस काम होता है, कबूतर को जो सबसे इम्पोर्टेंस चीज होती है वो होती है हवा। हवा पे ही पूरा कबूतर का दारोमदार है, और हवा से लड़ने के लिए उसके पास चाहिए पंख, वो भी एकदम उम्दा क्वालिटी के। अगर कबूतर के पंखों में जरा भी इक्का दुक्का है तो कबूतर कहीं भी मार खा सकता है। उससे आप ये नहीं बोल सकते कि कबूतर में प्रॉब्लम है, आपने चेक नहीं किया भाई, आपने पंख नहीं देखे तो कबूतर में कहां से प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह के कबूतर भी कर सकते हैं जी भाई। उसके बाद हम कौन सी चीज दिखाएंगे उसके बाद? यही, और इसकी जो हड्डी है, ये हड्डी जैसे किसी भाई ने कहा था कि जो नाव के सेप की हड्डी होनी चाहिए, कल हमारी बात हो रही थी। हाँ, तो नाव सेप की हड्डी चाहिए और चार उंगली से बड़ी होनी चाहिए। चार उंगली से बड़ी कैसे नापेंगे उसको आप बताइए ना। अभी देखो, अभी ये नर की ये जो हड्डी है जी, तो इस पे मैंने उंगली रख दी चार, और फिर भी यहाँ पे मोकली जगह है, हड्डी बाकी है। अच्छा, यहाँ पे हड्डी बाकी है जी। ओके चार, स्टार्ट टू एंड कबूतर को जैसे पकड़ेंगे, कबूतर ऐसा है तो यहाँ पे उसकी हड्डी आप चेक कीजिए, चार उंगली से बड़ी हड्डी तो आपका कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में ये जोड़ की हड्डी, हम ज्वाइंट इसको चिमटा भी बोलते हैं, चिमटा भी कहते हैं हम, जोड़ की हड्डी भी कहते हैं। ये बंद होनी चाहिए जोड़ की हड्डी। जोड़ की हड्डी आपको जो देखना है, तो जहाँ कबूतर बीट करता है आपकी, उसके बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे जोड़ की हड्डी दिखेगी। ये देखिए, मैं दिखाई देता हूँ आपको भाई, एक मिनट। ये है जोड़ की हड्डी, ये देखिए, ये है जोड़ की हड्डी। ये जो जोड़ की हड्डी, अगर आप इस पे आपकी उंगली रखेंगे सिर्फ ऐसे, तो ये जितनी चिपकी हुई होगी उतना कबूतर उड़ेगा, जितनी ये खुली हुई होगी उतना कबूतर कम परवास करेगा। बिल्कुल सही बात है। ये सब बातें, ये जो पॉइंट है, ये अच्छी कबूतर की पहचान है। बिल्कुल, आप ये सारी चीजें नोट कीजिए, और आप जब भी अपने घर के पट्टे या आप मार्केट से लाना हो तो ये सारी बातें देख के ही आप कबूतर का शौक कर सकते हो। तो भाइयों, ये है कबूतर की इन्फॉर्मेशन, इससे आपको पता चलिए कबूतर की इन्फॉर्मेशन। तो भाई आप अंदाजा लगा लीजिए, जिन भाई को कबूतरों के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, उनके खुद के कबूतर कैसे होंगे। तो भाई आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, और ये भी बहुत आपने वीडियो लाइक की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पॉज करते हुए। तो आपने जो अभी तक इन्फॉर्मेशन ली उसके लिए आप, उससे अगर आपको सीख रहे हैं तो जरूर सीखिए। ये 110% कबूतरों में अच्छे होने की सबब है, कबूतरों की निशानी है ये अच्छा होना। ये सब चीजें अगर आपके कबूतर में 100% चेक है, 100% कबूतर उड़ेगा। तो भाई अभी मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन वीडियो हमको प्रदीप भाई ने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहली बात तो उनका। और मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर, और मेरे चैनल का नाम है किंग्स किचन। अब हम देखेंगे प्रदीप भाई के पास के, इससे आने वाली अगली वीडियो में आपको प्रदीप भाई के पास की ब्रीडिंग पेयर्स में दिखाने वाला हूं। जब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा के।